नमस्कार। कृषि ओडिशा आम चाषी और चाषर कथा को स्वागत करुच्ची मु स्वराज केशरी। ग्रामीण अर्थनीतिर मेरुदंड हेउची कृषि। कृषि आम संबल, कृषि ही आम जीवन। देखिबाकु गले ओडिशार पूर्वरु पश्चिम, उत्तरु दक्षिण सबुठी हसे उठे सुनार क्षेत। केउठी पाचिला क्षेत्रे लहरी भांगे तो केउठी सबुज रंगर पनीपरिबारे हसी उठुथाए क्षेत। किंतु समयर गतिरे धीरे धीरे सबकिछि बदली जाइछि। अनेक स्थानरे शस्यश्यामलपूर्ण सुनार क्षेत एबे बदली जाइछि टांगरा भूइरे। आउ अनेक कृषक निज वृत्ति छाड़ी आपणाइ नेइछन्ति जीविकार अन्य माध्यम। अनेकंक कौलिक वृत्ति बुड़िबाकु बसिलाणि। तेबे एहारि भितरे किछि शिक्षित युवक उन्नत प्रणालीर चाषकु साउंटी नेइछन्ति आउ विश्वासर सह कृषिकु जीविका करि नुवा परिचय सृष्टि करिछन्ति। एथिसहित ओडिशार विकास धारा रे कृषि को जोड़िबारे मध्य होइछन्ती सफल। बजार रे मुक्तार चाहिदा सबुबेले अधिक रही आसी। कृषि विज्ञान अभूतपूर्व सफलता जो सामुद्रिक प्रबाल जातीय एही दुर्लभ चीज एबे मधुर जल रे भी चाष हो पारुछि। एबे किछि वर्ष हेला ओडिशार आरंभ होइछि मुक्ता चाष। सबुड बड़ कथा हेला माछ चासिंक पय मुक्ता एक बोनस भली काम देव। एका सांगरे माछ सह मुक्ता चाष भी होई पारुछि। मधुर जलरे हेउतिबे एही चाष कम खर्चरे अधिक लाभदायक भी होइथाय। फळरे एही चाष पय अनेकक मधरे आग्रह ओ उत्साह देखिबाकु मिलुछि। विशेष करी युवगोष्ठी मुक्ता चाष करिबाकु मन बळाउछन्ति। तेबे स्वावलम्बी हेबा सह मुक्ता चाष एक भल विकल्प। मोती माणिक पैतुच्य अति दुर्लभ वस्तु, सब प्रकृतिर दान। एहा जेमिति दुर्लभ सेमिति एहार मूल्य मध्य अधिक। एहाकु अलंकार ओ घर साजसज्जारे मध्य व्यवहार करा जायथाय। तेबे प्रकृतिर दान मोती बा मुक्ताकु निज उद्यमरे चाष करी सामुक देहरु मोती बाहर करुछन्ति आम राज्यर चाषी। ओडिशारे मुक्ता चाष युवपीढ़ीक पाई सृष्टि करिछि नुआ संभावना। तेबे कृत्रिम उपायरे मुक्ता चाष एक बहुत लाभदायक प्रक्रिया। ओडिशारे विस्तीर्ण जलाशय थिबारु मधुर जलरे मुक्ता चाषर विपुल सुयोग रहिछि। मधुर जलरे थिबा सामुका गुडिकरो ही मुक्ता उत्पादन करा जायथाय। मुक्ता चाष पाई जीवंत सामुका आवश्यक। विभिन्न पोखरी और गड़ियारो सामुका संग्रह करा जाय परिबो। बाजार रे गोटी सामुकार मूल्य 5 टंका पड़ुथिया बेले वर्ष को गोटी सामुका पिछा प्राय 25 टंका खर्च होइथाय। वर्षे रो 1.5 वर्ष परे एही सब सामुका को अमल करा जायथाय। सीमेंट पानी टांकी रे मध्य एही चाष करा जाय परिबो। 1000 मुक्ता पाई 35-40 हजार पर्यंत खर्च हेउथुवा बेले एथिरु अति कम रे 80 हजार टंका जाय लाभ होई परुछि। आमे प्रथमे सामुका किणी के आनला परे ता संगरे हमरो न्यूक्लियस गुडे अछि सेटा भी किणी के आनु बाहर मार्केट रु निजे बनेले भी होबो। से न्यूक्लियस को आमे सर्जरी करके ता भितरे छाडला परे सेटा 10 दिन हमरो रुहे ऑब्जर्वेशन रे ओपन टांगी रे तापर आम पोखरी के नहीं छाड़ू। पोखरी छाड़ला परे 12-15 मास रे मैच्योरिट हेजबो अमल योग्य हेजबो हार्वेस्टिंग करिया पई। अमल हला परे फर्स्ट टाइम तो मु बिकिनी किंतु जो माने कहि छंती ता जा द्वारा मु करै छी से माने कहि छंती नेबे बोली कि पर पीस 100 टा हिसाब रे से माने नेबे बोली कहि छन। जति कि हमर बंचिला प्रति गोटे सामगर दुटा मोती बाहरबो गोटे मोती कि से माने 100 टा हिसाब रे नेबे बोली कहि छन। माछ चासिंक पाई मुक्ता एक बोनस भली काम देबो। जेउ माने माछ चास करुछंती सेमानक पोखरीरो सामुका मिलिबा अति सहज। सेमाने एही सामुका को संग्रह करी सेथिरे हिप्पा बा जाल भितरे एही सामुका गुडीक रखी पोखरी रे छाडी मुक्ता उत्पादन करि परिबे। एथि पाई किछि विशेष खाद्यर मध्य आवश्यक नाही। माछ को जहा खाइबा को देउछंते सेही खाद्य रे मध्य सामुका बुद्धि पाई परिबो। पोखरी रे थिबा नीलहरित शैवाल ओ किछि छोट पोकंकु खाई सामुका बढ़िथाय। मुक्ता तयारी पद्धति सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। सामुका भितरे अति क्षुद्र एक कृत्रिम दाना भर्ती करा जायथाय।
एहा परे सामुका भितर एक प्रकार अंतस्रावी रस निर्गत होइथाय जहाकि सही दाना उपरे एक आस्तरण सृष्टि करिथाय परे प्रक्रियाकरण माध्यम रे मुक्तरे रूपांतरित होइथाय तेबे सामुका भितर प्रथमे न्यूक्लियस रखी एही मुक्ता चाष करा जायथाय परे सामुका को ऑपरेशन करी डिजाइन दिया जायथाय सामुका को एंटीबायोटिक दिया जाय गोटे सामुका को गोटे लीटर पानी रे रखा जाय 10 दिन निरीक्षण रे रखा जिबा परे पोखरी रे जाल सहाय्य रे झुलाई रखा जाय थे मुक्ता पाई खाद्य ओ उत्तम रक्षण बेक्षण रे मध्य व्यवस्था करा जाय थे प्रति सप्ताह रे थरे सामुका गुड़ी को जांच करा जाय तार स्थिति अनुध्यान करा जाय थे मुक्ता गुड़ी को अमल करबा पाई 12 रु 15 मास समय लागि थाय गोटी मुक्तरे प्राय 50 टंका खर्च होइथाय जदि सठिक भाबे अमल हेबो तेबे गोटी सामुकारु दुइटे मुक्ता बाहरि थाय मुक्ता गुडीक साधारणतः गोलाकृति रे मिलुथिया बेले एबे चासी माने विभिन्न डिजाइन रा मुक्ता सृष्टि करबाकु प्रयास करुछन्ती गणेश लक्ष्मी शिव तिरुपति साई बाबा विभिन्न फूल आदि डिजाइन रा मुक्ता मध्य सृष्टि करबा संभवपर होइछि मुक्ता बिना पॉलिश रे गोटे को 100 रु 150 टंका रे बिक्री होइथाय ओडिसा रे पॉलिश करिवार सुविधा नाही तेणु कोलकाता ओ हैदराबाद रे एहार पॉलिश करा जाउछि एहा छडा ओडिसा रे बाजार सुविधा नथिबारु एठारो उत्पादित मुक्ता हैदराबाद दिल्ली राजस्थान कोलकाता अहमदाबाद आदि स्थान को रप्तानी हेउछि मधुर जल रे चास हेउथबा रंगीन मुक्तार चाहिदा सबुठारु अधिक फैशन डिजाइन गहना औषध आदि प्रस्तुति रे एहार बहुळ व्यवहार ओ उपयोग करा जाउछि एहार बाजार चाहिदा मध्य बेस लाभदायक वर्तमान आमर मुक्ता चाषे आमर ओडिशा सरकार योजना जोटा कि मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना से आमर सब्सिडी सहित सहायता से पाई पारे 50% सब्सिडी सेटा एक एंटरप्रेन्योरशिप करने मुक्त चाष को बढ़ावा देवाई मुक्त चाष को आगे नापाई से आम ओडिशा सरकार से गोटे स्कीम आनी तो तार सुविधा ओडिशा जेकोसी चाषी से नहीं पारे से केवल सिंपल तक किसी जगह थी दरकार किसी इनभेस्टमेंट करेंगे आवश्यक डॉक्यूमेंट से आम ब्लॉक कृषि अधिकारी आम ब्लॉक जो मैंने रही मत्स्य अधिकारी कि वेटनरी ऑफिसर तक जेकोसी पाखे अप्लाय करके यार सुविधा नहीं पारे तो आउ कहें चाहिए जे यही चाषटी संपूर्ण रूप नुआ तो या प्रॉपर ट्रेनिंग सहित प्रॉपरली आपण जिते बड़े फील्ड को एंट्री करछंती प्रॉपरली ता विषय ज्ञान आहरण करूँ जो मैंने ब्लॉक रे रहिले जो मैंने एफओ रहिले किंबा हमर एफसीर जे कोनी स्टाफ रहिले तांको सहित कंसल्ट करिक से ए चासो को आगे पर युव चासी स्वावलंबी हेबा पाए मुक्त चासो एक भलो विकल्प उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं छोट पोखरी हो कि सीमेंट टांकी घर अगणारे मुक्त चाष कर स्वावलम्बी हो पारे तेज सीमेंट टांकी मुक्त चाषपी स्वतंत्र जंत्र और खाद्यर आवश्यकता थिबा बेले पोखरी रे एही चाष कले अधिक जत्नर आवश्यकता नथाय जो चाषी माने मुक्त चाष करने को चाहती से माने प्रथमे 10,000 टंकारु आरंभ करिपारिबे परे एही व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाई पारिबे तबे प्रचार प्रसार अभावर एहि चाष संपर्क रे लोके जानि पर नहंती सरकारी प्रोत्साहन मिलिले मुक्त चाषर प्रचार प्रसार हेबा सहित चासी मध्य अधिक लाभान्वित होई परिबे चासी को मध्य रे फूल चाष आनिछि नुआ आशा आ फूल जगाउछि आहार गेंडु फूल चाष करी चासी होई पारुछंती आत्मनिर्भरशील आम राज्य रे पर्व पर्वाणी समय रे फूलर चाहिदा बेस बढ़ुछि हेले राज्य रे पर्याप्त परिमाण रे हेउ नै फूल चाष फल बाहर राज्यर फूल उपर निर्भरशील होती राज्यवासी किंतु एबे वैज्ञानिक पद्धति रे सबु दुनिया किसमर गेंडु फूल चाष वर्ष सारा होई पारुछि एही चाष रे अल्प खर्च रे अधिक लाभ मिलिबा संभव मध्ये होई पारुछि तेणु चाषी एबे गेंडु फूल चाष को रोजगार माध्यम भाबे बाछि नैछंती आसंतु जानिबा आधुनिक प्रणाली रे गेंडु फूल चाष करि किभलि आपण होई पारिबे लाभवान चाषी फूल देखिबा को जति कि सुंदर ताहार बजार चाहिदा मध्य भलो
लोकप्रिय फूल भावरे परिचित गेंडु एहा सह दीर्घस्थायी फूल हेउछि गोलाप एहा शीघ्र नष्ट हुए नाही अपेक्षाकृत भाव सस्ता सुंदर और सहजरे मिलिथाए पूजा पर्व ठारु आरंभ करि घरर पूजा घर और सभा समिति सबुठी एही फूलर आदर आजिकालि एही फूलर चाहिदा जथेष्ट अधिक रहिछि वर्तमान ओडिसार विभिन्न स्थान रे व्यावसायिक भाबे गेंडु चाष करा जाउछि एहा एक तृण जातीय उद्भिद ओ मुख्यतः शीत दिने फुटिथाए किंतु वैज्ञानिक पद्धति रे एबे सबुदिनिया किसम उद्भावित हेलाणि एहाकु वर्ष सारा चाष करा जाई पारुछि यार उज्जवल रंग बगीचे सकारात्मकता भाव मध्य विस्तार करिथाए आम राज्य में गेंडु फुलर चाहिदा जथेष्ट अधिक रही से ही तुलन उत्पादन खूब कम तेणु पड़ोसी राज्य उपर 90% निर्भर करने को पड़ी आमर राज्य में फुलर बजार रही तेणु चाषी भाई माने को उन्नत प्रणाली में चाष कले आर्थिक दृष्टि निश्चित लाभवान हो पारे तेब आसतु यार चाष और सार परिचालना संपर्क में आलोचना करिबा गेंडु फूल सबु माटी रे बढ़ी पारे तेबे निगिड़ा दरसा बालिया दरसा माटी रे भल गेंडु चाष करी हुए यहाको प्रतिकूल परिवेश रे मध्य चाष करा जाई पारिबो एथिपई माटी को 2-3 ओड़ हल करी भल भावरे गुंड करिबा आवश्यक अनावना घास चेर मूल इत्यादि सफा करी जमी को समतल करंतु शेष अड़ हल समय हेक्टर प्रति 10-20 गाड़ी सढ़ा गोबर खत मिशातु यह माटी को फसफसिया करिबा सह जलधारण शक्ति वृद्धि करे और सर्वोपरि उत्पादन शक्ति बढ़ाई थाए गेंडु फुलर अनेक किसम थिबा बेले सबुदिनिया किसम भाबे आफ्रिकान फ्रेंच ओ इनोका किसम चाष करा जाय थाए आफ्रिकान किसम रे जायंट डबल आफ्रिकान येलो बेंगल येलो बहुल भाबे चाष करा जाय थाए सेई परी फ्रेंच किसम रे आफ्रिकान ऑरेंज बटर स्कॉच एजेंट डबल चाष करा जाय थाए गेंडु फूल मंजी को पटाळी रे बुणी चारा प्रस्तुत करा जाय थाए पाकळ फूलर बहिष्ट मंजीरो उत्पन्न गछरे फूलर आकार बड़ होय थाए शाखा अगरु 2-3 गुंड छाड़ी डाळमान काटंतु बालिया माटी रे खतमिसा पटाळी रे एही डाळ लगाई पानी दियंतु प्रस्तुत जमी रे धाड़ी को धाड़ी 40-45 सेंटीमीटर ओ गछ को गछ 30-40 सेंटीमीटर व्यवधान रे लगांतु प्राय 1 सप्ताह मध्य रे एथिरु चेर बाहरी थाए सप्ताह को थरे बा दुई थरो हालुका जलसेचन करंतु चारा लगाइबार 15-20 दिन परे कोड़ाखुसा ओ घास बछा आवश्यक उई ओ अन्यन्य रोगपोक दमन पई औषध सिंचन करंतु अधिक अमल ओ व्यवसाय भितिरे चाष करिबा पई सार प्रयोगर आवश्यकता रहिछि एहार सुस्तम प्रयोग ओ परिचालना लाभप्रद होइथाय गछ गुड़िकर भल अभिवृद्धि पई एहार उपरी भाग को टिकिए छिड़ाई दियंतु जहाद्वारा गछ गुड़िक झांकुलिया हेबा सहित फूल गुड़िक बड़ ओ गछा गछा होई फुटिबो दिने छाड़ी दिने कीटनाशक स्प्रे किंबा कीटनाशक साबुन पानी को गछ उपरे प्रयोग करंतु जहाद्वारा स्पाइडर माइट किंबा एफिड्स भली कीट समस्यार समाधान हेबो गछरे पानी देबा बेले ध्यान देबा आवश्यक सबुबेले गछर मूलर ही पानी देबे अगरे जेमिति पानी न पड़े गछर पत्र रे पानी रहिले गछ गुड़िक पंगाल रोगरे आक्रांत हेबा संभावना थाए फूल गुड़िक पूर्ण आकार पाइबा परे तोळंतु सकाळु किंबा दिनर ठंडा वातावरण मध्यरे फूल तोळिबाकु चेष्टा करंतु एवं फूल तोळिबा पूर्वरु खेतको भलभाबे जलसेचन करंतु यह
ଏହା ଅମଳ ପରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ରଖିବ। ତେବେ ପନିପରିବା ଲାଗିଥିବା ବଗିଚାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ରବି ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମହକ ଯୋଗୁଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ପନିପରିବା ଫସଲଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ରବି ଋତୁରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ମଣିଷକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ବିଫଳତାର କଷ୍ଟକୁ ଦୁହାଇ ଦେଇ ସଫଳତାର ଏକ ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଥାଏ। ହେଲେ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ବିଫଳତାରୁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଥିବା ଜଣେ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକରୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଏବେ ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋତି ଚାଷ ସହ ଭଳିକି ଭଳି ଚାଷ କରି ଏବେ ସେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଚାଷ ସହ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଚଙ୍ଗର ଯୁବଚାଷୀ ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା। ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭଳିକି ଭଳି ଚାଷ କରି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରି ଶେଷରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିବା ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ହେଲେ ବାସୁଦେବ। ତାଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧୀଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବାପା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଓ ମାତା ଯଶମତୀଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ତେବେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବାସୁଦେବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ହିଡ଼କୁ ତିନିଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଇଁପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ସେହି 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ତାଙ୍କୁ ଆଜି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମାଲିକ କରିପାରିଛି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକରୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିପଶିଠାରେ ଥିବା 3 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ। ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଏବେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଚାଷ। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିପାଣିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମୁକ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପୋଖରୀର ମଧୁର ଜଳରେ ସାମୁକା ରଖି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଶାଗୁଆନ ଭଳି ଗଛ ଲଗାଇ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଶାମୁକା ଚାଷ ମୁଁ ଏଇଟା 6 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଶାମୁକା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତା'ପରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ପାଗଳ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେ ଶାମୁକା ଚାଷୀ ପୁରୁଣା, ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେ ମୋତେ ଏଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ନେଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଦିନ। ତା'ପରେ ଶାମୁକା ଆଣିକି 6 ମାସ ହେଲା ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଶାମୁକା ପର୍ ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣିଛି, ଆଉ ପର୍ ମନ୍ଥ ମୋର ଏଠି ଆଭରେଜ 30,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତ ଶାମୁକା ଗୋଟାକ ଗୋଟେ ପଲ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣିବେ। ମୋର ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ ପାହାରାହାରି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 16 ଲକ୍ଷ। ଆଶା ରଖିଛି 30 ଲକ୍ଷ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆଉ। ମୋର ଏଠି ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି 2ଟା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ 4ପଟେ ତାରବାଡ଼ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାତୀ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ CCTV ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେଇଛି, 8ଟି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଆଉ। ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ଆମର ପରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଚାଷୀ।
आगुरु से अन्य कार्यक्रम जीविका चलुला चाष कम को आग्रह आस्ते आस्ते बढ़ला। आमर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजन से गोटे नुआ प्रकार मुक्ता चाष पे एथर आग्रह प्रकाश कर स्कीमटे से अंतर्भुक्त होती आम विश्वास करुचु जेकोसी प्रकार चाष तर जहा ना कि सबू चाष तो से करुंच मुक्ता चाष सहित तो अन्न्य पनीपरिया हूँ आमर धान हूँ सबू चाषे से जहाँ सुविधा हम आम विभाग तरफ कृषि विभाग और आनुषंगिक विभाग तरफ सब प्रकार साबू फार्म हाउस रक्षण बेक्षण करने श्रमिक सहित हाथी उपद्रव रोकवाई सोलार बाड़ और बाउंडरी व्यवस्था करा जाई विभिन्न चाष पर बोरवेल खोल एथसहित सीसीटीवी व्यवस्था होई जहाद्वारा चाषर सठिक सुपरिचालना होई समस्त चाषर सठिक रूपायन सरकारी अधिकारी परामर्श नेउछंती वासुदेव एपरिकी विभिन्न विभाग सरकारी सहायता से पाई आगामी दिन में फार्म हाउस को बढ़ाई अधिक रोजगार आशा रखिंट वासुदेव वासुदेव को सफलता को नहीं खुशी व्यक्त करिसेंति ब्लॉक कृषि अधिकारी समस्त सरकारी सहायता और सहयोग जोगाई देबा को से प्रतिश्रुति देइछंति। वर्तमान तो देखंतु मुक्त चाष आम ढेंकनाल जिला पे संपूर्ण रूप नुआ तो यह को जने अमर परजंग ब्लॉक रो वासुदेव परिडा नामक एक चाषी से अमर आरंभ करचंति जोटा कि बहुत एक खुशी बा गर्वर विषय से एभले एक चाष को निजर पेशा भाव में आपणैचंति। ता छड़ा मुझे चाहिए जे मुक्त चाष तो आमर विभिन्न प्रकार चाष आम जाने माछ चाष जाने चिंगुड़ी चाष जाने कंकड़ा भी आम देखुचे कि प्रथम एमती एक जिन मुक्ता चाष जोटा कि मैंने अर्नामेंट्स आपन को देव वन को से विभिन्न प्रकार अर्नामेंट्स आपरिपरेंगे से बाहर मार्केट से बहुत प्रकार तर डिमांड रोचे जेहेतु वासुदेव परिडा आम विभिन्न प्रकार चाष कर से उन्नति कर पार्टी आमर गोटे समाज को गोटे वार्ता रोचे जो वार्ता कि आम बेकारी समस्या रो मुख्य उद्देश्य आम पाठ साठ पढ़ी चाकरी करी चाकरी पछरे घोड़ेबा